आज कॉलेज जल्दी जाना है। अंजलि आती ही होगी आज कॉलेज। चलो आज जल्दी जल्दी निकलना है मुझे। बाय मां, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा रुक, तो ब्रेकफास्ट करेगा नहीं क्या? ब्रेकफास्ट तो करते जा। नहीं माँ, मुझे जल्दी जाना है। बाय माँ। अरे ये क्या, ये तो कभी कॉलेज इतना जल्दी नहीं जाता। पता नहीं आज इतना जल्दी क्यों जा रहा है, शायद कुछ काम होगा। माँ कार की चाबी कहाँ है? माँ ऊपर है बेटा। अरे यार ऊपर कौन जाएगा, मैं बैग से ही निकल जाता हूँ। अरे ये क्या, राहुल तो कभी कॉलेज ज्यादा बाइक में नहीं जाता है। पता नहीं आज इसको क्या हो गया। बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे टेडी। अंजलि जल्दी करो, देर हो जाएगी। जी माँ। चलो फ्रेश हो जाती हूँ। चलो पूजा कर लेती हूँ। अंजलि बेटा ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? माँ आप फिर से भूल गई, आज मंडे है, मेरा फास्ट है माँ। ठीक है माँ, बाय। देख बेटा अंजलि, तेरे कॉलेज का पहला दिन है नए कॉलेज का। उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, और उनके साथ रह के तू कोई बुरी आदतों के संगत में मत पड़ जाना। अपने पापा का सपना याद रखना बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद एक तू ही तो मेरा सहारा है, और तुझे अपने पापा के सारे सपने पूरे करने हैं, याद है ना बेटा? खूब मन लगा के पढ़ना। जी माँ। आप परेशान मत होइए माँ, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी और खूब मन लगा के पढ़ूंगी। और हाँ बेटा, रिचा से दूरी रहना। रिचा तुम्हारी जूनियर थी लेकिन अभी तुम्हारे क्लास में ही है। अनिका की माँ से मुझे पता चला है, उसने डबल प्रमोशन लेके तुम्हारे क्लास में ही एडमिशन करवाई है अपनी। और वो लड़की से मुझे बहुत डर लगता है, हमेशा तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है। बेटा उससे दूरी रहना तुम। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो माँ, मेरी फ्रेंड अनु भी तो वही क्लास में है ना। हाँ बेटा मैं भूल ही गई थी। ठीक है तुम अनु के अलावा किसी से बात मत करना बेटा, और अपना ध्यान रखना, और पूरा पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? ठीक है माँ। अरे यार राहुल, आज इतनी जल्दी कॉलेज? कभी लाइफ में तो तुझे इतनी जल्दी आते हुए नहीं देखा, आज इतनी जल्दी? पता है मुझे सब, अंजलि आने वाली है इसीलिए ना। अरे अरे यार ये बात नहीं है, बस ऐसे ही। अरे यार रहने दे, तो अंजलि का ही इंतज़ार कर रहा है, पता है हमें, हमसे क्या छुपाएगा। अरे लगता है अंजलि आ गई होगी शायद। हेलो राहुल। हेलो रिचा। हेलो रिचा।
हाय रोशनी। हाँ चलो क्लास में चलते हैं। अरे रुक ना, राहुल खड़ा खड़ा है वहाँ पे। वो लोग जाएंगे तभी हम उनके साथ अंदर जाएंगे। ठीक है। ये लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, नहीं तो इनकी औकात भी नहीं है ये कॉलेज आने की। हाँ रिचा। ए लड़की, मेरी बाइक से दूर रख अपनी घटिया साइकिल, समझी ना। हाय राहुल। हेलो अनु। अरे यार, अंजलि को देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही है, पता नहीं कब आएगी वो। उसने मुझे पलट के भी नहीं देखा, शायद वो मुझसे बहुत नाराज होगी। अरे नहीं यार, चलो अभी हम उसे मना लेते हैं। तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, चल अभी क्लास का टाइम हो रहा है। यार दिनेश, ये नया आइटम कौन है अपने कॉलेज में? अरे यार दीपक, ये लड़की, इसका नाम अंजलि है, आज ही आई है अपने कॉलेज में। अरे यार बहुत मस्त आइटम लग रहा है। हाँ, उसको नज़र उठा के भी नहीं देखना तुम लोग। क्यों, तेरा माल है क्या? तुझे क्यों मिर्ची लग गई? अरे यार राहुल, अभी कुछ मत झगड़ा कर, पहले अंजलि की नज़र में तो बहुत बुरा है, अभी झगड़ा करने लगेगा तो और उसकी नज़रों में से गिर जाएगा। ये लोफरों के साथ बात मत कर, ये लोग तो ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते। चल अभी हम क्लास में चलते हैं, इन्हें बाद में देखेंगे हम। अरे यार चलना रिचा, सब लोग अपनी क्लास में चले गए हैं, हमें भी अपने क्लास में चलना होगा। अब राहुल भी चले गया है। अरे यार एक बात पूछना था तुझसे, तो राहुल की इतनी दीवानी कब से होने लगी? ऐसे ही कुछ दो दिनों से ही। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जल्द समझ जाएगी। चल तुझे सब बाद में बताती हूँ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू डील और डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। व्हाट आर द मेजरमेंट और द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जस्ट लाइक द मेजरमेंट्स और मेथड्स ऑफ मेजरिंग। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम फ्रेंड? बिकॉज आई कांट सी द बोर्ड। ओके थैंक यू मैम। So we have studied the same excuse me percentage method of geometric appointment excuse method me in case of aap elasticity meri place demand mein also ja sakti ho? The same thing applies in case of elasticity of supply also. Okay, that is the percentage method. Okay, thank so, you. See the percentage method of measuring the price elasticity. Arey yaar kya hua, tujhe itna gussa kyun ho rahi ho? Dekh na, अंजलि के पास जाके बैठा है राहुल। मुझे इस बात जिस बात का डर था वही हो रहा है, हमेशा वो अंजलि के पीछे पीछे ही रहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे यार सुन पहले, मैम को गुस्सा आ जाएगा, पहले क्लास पर ध्यान दे, उसके बाद में बात करते हैं। अंजलि देखना, राहुल तुझे ही देख रहा है। देखने दे, मुझे क्या, मुझे तो क्लास पे ध्यान देना है। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, कैन आई गो बैक मैम? यस दिस मेथड इज
based on the definition of elasticity, that is what we have discussed. Excuse now. Me. And the formula for measuring elasticity supply using the percentage एक method अंजली, तुम मेरी प्लेस पर बैठ सकती हो? मैं तुम्हारी प्लेस पर बैठ जाऊंगी. Percentage of change in quantity supply divided by percentage change in price. How much by what percent? मैं भी अंजली के पास ही चले जाती हूँ. Divided by how much or by what percent the price has changed. Using this formula, we'll be able to measure elasticity of supply using the percentage method. Excuse me, ma'am. मैं अपनी प्लेस में जाकर बैठना चाहूँगा. मुझे चौक की डस्ट से एलर्जी हो रही है. ओके. पता नहीं अनु, मैं इसे कैसे झेल पाऊँगी इस राहुल को. 2 साल ये मेरा MBA कंप्लीट होने तक. पता नहीं यार. चल छोड़ ना यार, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बस. हाँ बस ऐसे ही करती हूँ, उसको इग्नोर करती हूँ.